प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, जितनी मेहनत करते हो लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखो। ये वीडियो आज आपके लिए है। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट को इकट्ठा किया। प्रोफेसर ने कहा, आज हम एक खेल करते और देखो उससे हमको क्या सीखने को मिलता है। फिर प्रोफेसर साहब जो थे वो गुब्बारे लेकर आए और सभी छात्रों को दिया, बोलो इसके अंदर हवा भर दो। सभी ने हवा भर दी। हवा भरने के बाद प्रोफेसर ने बोला, अब इस गुब्बारे के ऊपर सभी लोग अपना अपना नाम लिखो। सभी ने अपना अपना नाम लिखा। फिर प्रोफेसर ने कहा कि इस गुब्बारे को ये वाले रूम में एक कमरा खाली कर दिया गया था, बोले इसमें छोड़ दो। गुब्बारा छोड़ दिया गया, उथल पुथल कर दिया गया। फिर प्रोफेसर साहब ने ऐसा बोला, अब सभी स्टूडेंट को एक साथ में जाना है कमरे में और अपने नाम वाला गुब्बारा ढूंढ कर लेकर आना है। जो सबसे पहले लेकर आएगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। सभी छात्र गए, सभी गुब्बारे एक समान, उसके ऊपर पेन से लिखा हुआ नाम सभी का। सभी लोग अपने गुब्बारा ढूंढ रहे थे और मेरे पास अगर किसी और के नाम का आ गया, मैं देख रहा हूँ मेरे बाजू में, मैं उसको और फेंक देता हूँ क्योंकि मैं भी विजेता बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने उथल पुथल मचा दी और मालूम है एक घंटा लग गया। एक घंटे के बाद भी सभी के हाथ में तो गुब्बारा नहीं आया था। फिर प्रोफेसर ने बोला, चलो कोई बात नहीं, जो विजेता बने वो बने। और मालूम है चेले लोगों में ही, प्रभु यीशु के जो चेले थे उनमें यही गड़बड़ थी। वो लोग बातें करते थे और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो लिखा है लुका में, उसका 9वां अध्याय और उसका 46वां वचन। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। देखो प्रभु यीशु के चेले आपस में विवाद करने लगे, हम में बड़ा कौन। और 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु के साथ रहे, कोई भी चेला आगे नहीं बढ़ पाया। सभी लोग इसी में सोचते रहे कि हम में बड़ा कौन, कौन हमारा अगुआ बन सकता है। इसी में लोग पड़े रहे और 3.5 साल तक इनका कोई खास नाम नहीं हुआ, खास कोई काम नहीं हुए, ये लोग आगे नहीं बढ़े। फिर प्रोफेसर ने बोला, चलो कोई बात नहीं, वापस गुब्बारा उसी कमरे में डाल दो। फिर सब उथल पुथल कर दिया। अब प्रोफेसर ने बोला, अब वापस आपको जाकर अपना ही गुब्बारा लेना है अपने नाम वाला, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से। जिसके पास जिसके नाम का गुब्बारा आएगा वो उसको अपने हाथों में दे देगा। ले विजय ये तेरा, ले मनीष ये तेरा, ये शाहिल ये तेरा। जिसके हाथ में जिसका आएगा वो उसको दे देगा। अभी क्या हुआ, फिर सब आगे और मानो सिर्फ 5 मिनट में सभी के हाथ में गुब्बारा आ गया। पहले एक घंटा लगा तो अभी सभी के हाथ में नहीं आए, अभी सिर्फ 5 मिनट में सभी के हाथ में आ गया। मालूम ऐसा क्यों है? पहली बार सभी लोग विजेता बनना चाहते थे और अपना गुब्बारा ढूंढना चाहते थे, सब बड़ा बनना चाहते थे, अकेले आगे बढ़ना चाहते थे। और दूसरी बार में क्या हुआ मालूम है? अब टीम वर्क है, कोई विजेता नहीं है, अब सभी को एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है और इसको बोलते टीम वर्क। जब ये लोग टीम वर्क में आ गए, सभी ने एक दूसरे की सहायता की, सिर्फ 5 मिनट में सभी लोग विजेता एक साथ में। टीम वर्क से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु की मौत हो गई, चेले अकेले पड़ गए और चेलों में परिवर्तन आया। और एक वचन में पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 1वां अध्याय उसका 14वां वचन। वे सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। अभी सभी लोग एक हो गए, एक मन हो गए और एक मन होकर ये सभी लोग प्रार्थना करने लगे। अब टीम वर्क में आ गए, अब ये नहीं बोल रहा हमें बड़ा कौन, अब विवाद नहीं है, अब ये सभी लोग एक हो गए। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय
और उसका वचन 6। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींचकर कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए। अभी चेलों के बारे में लोगों ने गवाही दी, इन लोगों ने तो पूरे संसार को पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया। आज तक एक इंसान को उलट पुलट नहीं किया था, थोड़ी सी भी इनको जो सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली थी, क्योंकि हमें बड़ा को नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये सभी लोग एक हो गए, टीम वर्क में आ गए, तो मालूम है उथल पुथल कर दी लोगों ने, पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। और फिर बाइबल में लिखा हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसका 26वां वचन। और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले मसीही कहलाए, मसीही का मतलब होता है, आज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मसीह धर्म है, मसीह धर्म नहीं। और मालूम है जो लोग आज विश्वास में आते हैं वो अपने आप को ईसाई मसीही क्रिश्चियन कहने से कतराते हैं, नहीं नहीं हम यीशु को मानते हैं लेकिन हम मसीह नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, कतराते। अरे क्रिश्चियन क्राइस्ट इन, क्राइस्ट प्लस इन, क्राइस्ट मतलब मसीह, मसीह का अंदर आना, जिसके अंदर मसीह है वही क्रिश्चियन है, सभी लोग क्रिश्चियन नहीं है। मसीही जिसके अंदर मसीह है वही मसीह है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वही मसीह है। ये सभी लोगों के अंदर नहीं आता, मसीह को ग्रहण करने से आप मसीह नहीं बन जाते, मसीह का आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। और मसीही मसीह इसका मतलब होता है छुड़ाने वाला, जो लोगों को बीमारी से छुड़ाता है, शैतान से छुड़ाता है, पापों से छुड़ाता है, संसार से छुड़ाता है, लड़ाई झगड़ों से छुड़ाता है, नफरत से छुड़ाता है, वो है मसीह। और चेले अंताकिया में मसीही कहलाए, उन्होंने नहीं बोला मैं मसीह हूँ, लोगों ने बोला है तो मसीह लोग काम ऐसे देखे, मसीह वाले काम देखे, लोगों को छुटकारा देते हुए देखा, लोगों को प्रेम करते हुए देखा, लोगों को पापों से छुटकारा देते हुए देखा, लोगों को शराब से, बीड़ी से, सिगरेट से आज़ाद करवाते हुए देखा, तब लोगों ने बोला तो मसीह का काम, ये लोग मसीही लोग हैं। लेकिन ये मसीह कब कहलाए, जब टीम वर्क में आए। हमें बड़ा कौन, तब तक कुछ नहीं हुआ, जब टीम वर्क में आ गए तब इनकी उन्नति हुई और ये लोग आगे बढ़े। अगर आज आप आगे बढ़ना चाहते हो, अकेले नहीं बढ़ पाओगे, किसी से आगे निकलने का प्रयत्न करोगे नहीं होगा, टीम बनाओ, टीम वर्क करो, अपने साथियों को मिलाकर साथ में बढ़ने का प्रयत्न करो, किसी से आगे निकलने का प्रयत्न मत करो, एक दूसरे की सहायता करो, ये मसीह लोगों का काम है। प्रभु ने हमको यही सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो, खुद से ज़्यादा दूसरे को प्रेम करो, ऐसा करोगे तो ही आप बढ़ोगे, नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर आपका आशीष दे, आमीन।